Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is me Sakshi. I know I am here after a long time. Today I've come up with something very exciting and that's the need of the hour nowadays. Hum log roz kuch na kuch search karte hain for web series and Netflix par, Amazon Prime par, because now everyone is at home, right? So today I'm gonna be telling you my favorite web series and जो मुझे बहुत 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 पसंद आई and कुछ English है कुछ हिंदी है दोनों के बारे में बात करेंगे and yes let's get started. So पहले English web series की बात करते हैं and these web series जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये Netflix पे हो सकती है, Amazon Prime पे हो सकती हैं, Hotstar पे हो सकती हैं, right? So I'm gonna be telling you all the details in this video. So yes, keep on watching. So first one is this series called Designated Survivor. This is on Netflix and इसके 3 seasons हैं. I will tell you a small gist of this series. So इस series में एक bomb blast होता है capital में and वहाँ पर एक literally एक बंदा होता है जो survivor बचता है, right? So he is left to be the president of यूनाइटेड स्टेट्स. का ख्याल रखता है उसके फैमिली के साथ, क्या इश्यूज़ होते हैं, वो कैसे रूल करता है, क्या पॉलिटिक्स होती है. सो दिस दिस सीरीज इज़ ऑल अबाउट दैट एंड इट इज़ रियली रियली वन ऑफ माई फेवरेट्स. आप जब इसे देखोगे तो आपको लिटरली इसको एक भी एपिसोड मिस करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा. एंड सीजन 1 इज़ रियली रियली गुड. सीजन 2 इज़ काइंड ऑफ स्लो बट थर्ड इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो आपको तीनों देखने पड़ेंगे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स इन इंग्लिश सीरीज एंड यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स. नेक्स्ट सीरीज इज़ अगेन फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड डायनेस्टी. सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फैमिली कॉल्ड कैरिंगटन एंड ये बहुत ही वेल्दी फैमिली है एंड इनका पूरा फैमिली ड्रामा और फैमिली पॉलिटिक्स एंड द डार्क साइड ऑफ बेसिकली बींग वेल्दी इस पूरी सीरीज में आपको वो देखने को मिलेगा. एंड इफ़ यू रियली लाइक द आइडिया ऑफ कर्दाशियाज एंड रिच फैमिलीज, आपको ये सीरीज बहुत एंटरटेनिंग लगने वाली है. सो मेरा फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस सीरीज इज़ फैलन कैरिंगटन एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन ब्लेक कैरिंगटन. पूरा फैम जैम ड्रामा एंड हाउ दे डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कम अप विद बींग यू नो रिच. सो दिस सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट दैट. बीच में सस्पेंस और बीच में कॉमेडी भी आपको बहुत मिलेगी इसके अंदर. सो आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच दिस ड्यूरिंग क्वारंटाइन. थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका एंड यू विल रियली रियली रिलेट टू द कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो नेक्स्ट अप इज़ अगेन फ्रॉम नेटफ्लिक्स. दिस वन इज़ कॉल्ड वर्किंग मॉम्स एंड इसके 4 सीजन्स हैं. This is very beautiful comedy drama series and all the working moms will actually relate to this one. Why? Because it talks about the challenges, struggles and जो भी चीज़ें आप face करते हो while you are a mom and you are also working, your how to balance your personal life and professional life and your friends at the same time. So सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी. इट टॉक्स अबाउट द क्योस ऑफ योर टॉडलर्स एंड द टैंट्रम्स एंड ऑल्सो द सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस दैट ऑल मॉम्स गो थ्रू. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई रियली रियली एंजॉयड वॉचिंग इट. आई वॉज टोटली इन टू द एसेंस ऑफ द शो एंड आई रियली रियली लव्ड इट. सो नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स विच आई थरली इंजॉयड वॉचिंग एंड आई नो इवन यू गाइज मस्ट हैव वॉच्ड इट. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स एंड ओ माई गॉड आई कॉन्ट टेल यू अबाउट इट. इट टॉक्स अबाउट हाउ दीज यंग किड्स आर एक्चुअली वेरी क्यूरियस एंड दे फाइंड आउट सम सीक्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देर आर सम सुपर नेचुरल फोर्सेज एंड हाउ दे डील विद इट. हाउ देर दे हैव वेरी स्वीट इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन ईच अदर एंड सो इट्स रियली 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 अमेजिंग. यू वुड टोटली लव इट एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शोज ऑन नेटफ्लिक्स एंड इट रियली रियली मेड मी हुक्ड टू ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज. So next one is The Widow. The Widow is a series from Amazon Prime. Yeah, welcome to Amazon Prime now. Finally.
सो अमेजोन प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश सीरीज में से एक है. स्टोरी टॉक्स अबाउट अ वुमन कॉल्ड जॉर्जिया एंड उसका हस्बैंड ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश. एंड वो उसकी पूरे प्लेन क्रैश की थ्योरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉन्गो जाती है जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी, ऐसा रिपोर्ट्स में आया था. वो जाके पूरा इन्वेस्टिगेट करती है कि इफ ही इज़ अलाइव और डेड. एंड बीच में उसके जो लोग हेल्प करते हैं, जो नहीं करते हैं, शी फाइंड्स आउट द ट्रुथ. शी पुट्स अप ऑल हर करेज एंड वो जाके हर चीज़ फाइंड आउट करती है. एंड इट रियली इज इंस्पायरिंग टू सी अ वुमन लाइक दिस. आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस वन. एंड वन इज एक्चुअली अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. एंड ये मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई रियली वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. आई एम टॉकिंग अबाउट यू फ्रॉम नेटफ्लिक्स. एंड माई गॉड, आई टेल यू, कभी मुझे इस कैरेक्टर से प्यार हुआ, कभी मुझे इस कैरेक्टर से, आई फाउंड इट वेरी वेरी क्रीपी. I don't know, I had mixed feelings after watching this show. So this particular story tells you about a character, this man who is a bookstore manager and kaise wo ladkiyon ke liye kafi obsessed hota hai, jin bhi ladkiyon se milta hai, and uska obsession kya roop le leta hai, and then कैसे स्टॉक करता है, कैसे पूरी हिस्ट्री निकालता है सोशल मीडिया पे, एंड क्या खुद के उसके पर्सनल चैलेंजेस होते हैं. सो इट द स्टोरी टेल्स यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस मैन साइकी, राइट, वो कहाँ से आता है एंड क्यों वो ऐसा है. सो इट्स रियली रियली गुड. इसके दो सीजन्स हैं. वो थोड़ी लड़कियों को, यू नो, दे माइट फाइंड इट क्रीपी इनिशियली, बट slowly and gradually when you start watching this one and you see this man, where this man is coming from, you'll be able to actually relate to it and you'll be able to understand his mind, and yes, you would love it. Now it's time for Hindi series, and I know kafi log Hindi wala zyada prefer karte hain, so without wasting time isko start karte hain. सो ये हिंदी सीरीज़ कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जो शायद आपने नहीं देखी होंगी, मिस आउट कर गए होंगे. एंड बिकॉज फेमस वाली तो सबने देखी है, एंड फेमस वाली तो ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, बट जो शायद आपने गलती से मिस कर दिया, आपने इतना ध्यान नहीं दिया, आई एम गोइंग टू टेल यू दो सीरीज़ अभी. सो फर्स्ट वन इज़ काफिर, एंड दिस इज़ अ सीरीज़ ऑन Z5. Z5 आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी सीरीज़ बना रहे हैं एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग दोज. इसका एक ही सीज़न है और बहुत रिसेंटली आई थी सीरीज़ 2019 में. मैंने अभी देखी कुछ टाइम पहले, दैट्स वाई यू नो अभी फ्रेश मुझे याद है, मैं आपको बता पा रही हूँ ये सब चीज़ें. सो येस, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल कैनाज अख्तर, एंड ये POK से आती है एंड POK से गलती से इंडिया आ जाती है. यहाँ पे आके वो क्या स्ट्रगल करती है, जेल में रहती है, एंड कौन उसकी हेल्प करता है उसको वापस उसके मुल्क पहुँचाने में. सो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये आपको दोनों साइड की स्टोरी बताते हैं. वेरी वेरी नाइस, छोटी है, ज़्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है, एंड बहुत सिंपल है. इसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सस्पेंस और ये सब भी नहीं है. सो आपको बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लगेगी. एंड ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने अभी ये ख़त्म करी है, लाइक दो तीन हफ्ता पहले. सो आई लव्ड वॉचिंग इट, आई टोटली एन्जॉयड. सो येस, सेकेंड वन इज़ लाइक अ फ्रेश सीरीज. इट केम एज अ लाइफ सेवर जब कुछ देखने को नहीं था, एकदम से ये इसका अनाउंसमेंट इतना रिलेटेबल है ना. ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वुड एक्चुअली रिलेट टू इट बिकॉज when you do your studies and you do engineering, you want to have a good job. So ये बंदा जो इस character है जो इस series में, ये बंदा भी एक बहुत ही अच्छी job चाह रहा होता है जो उसको नहीं मिलती है, and then वो एक remote village में चला जाता है. वहाँ remote village में वो एक पंचायत office में secretary का job करता है जो उसको starting में बिल्कुल पसंद नहीं आती है, and वो क्या challenges face करता है, how is it different from working in MNC. fresh content है, ऐसा content मैंने बहुत time से नहीं देखा है. so it is kind of different and बहुत अच्छी series है ये. I think ये काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, and but जिन्होंने भी नहीं देखी है, please go and watch it. next is a drama series from Amazon Prime. this one is called The Family Man. all you Manoj Bajpai fans, you have to watch this one. this talks about this man who is a middle class man and कैसे ही अपनी
फैमिली को और अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करता है. ही इज़ अ स्पाई सो ही हैज़ टू मैनेज द नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. सो बीइंग अ स्पाई वो कैसे इन दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करता है, बैलेंस आउट करता है, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट ओनली. एक ही सीजन है अभी एंड शॉर्ट है, क्रिस्प है, बहुत अच्छी सीरीज है, यू वुड टोटली लव इट. नेक्स्ट अप इज माई वन ऑफ द फेवरेट्स टिल नाउ एंड ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी फाइव किसी पर भी नहीं है. दिस इज बाय जूम स्टूडियोज एंड अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब राइट. बहुत टची स्टोरी है, बहुत लाइक रिलेटेबल है. दिस इज अ स्टोरी दैट वी ऑल हैव लिव्ड. दिस वन इज मॉम एंड को, यू नो दिस रिलेशनशिप, मॉम के साथ जो भी हमारा रिलेशनशिप होता है हमने कई बार उसको फॉर ग्रांटेड लिया है. एंड ये स्टोरी एक्चुअली वही है. बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बहुत सस्पेंस, ड्रामा ये सब बिल्कुल नहीं है. सो दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉम एंड सन. आपको होल्ड करके रखेगी, लाइक यू वुड वॉन्ट टू वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ दिस वन. यू डोंट वॉन्ट टू मिस दिस वन एट ऑल. सो आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस वन. वॉच दिस विद योर सन, योर डॉटर्स, योर होल फैमिली. यू वुड थोरली इन्जॉय इट एंड आप शायद बीच में इमोशनल भी हो जाओ जैसे मैं हो गई थी. नेक्स्ट वन इज घोल. दिस इज द फर्स्ट इंडियन हॉरर सीरीज बाय नेटफ्लिक्स एंड ऑल द यू राधिका आप्टे फैंस वुड लव इट एंड ऑल द हॉरर मूवीज जिनको बहुत पसंद है उनको ये बहुत अच्छी लगने वाली है. ये बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड वेब सीरीज है और इट्स लाइक अ फिक्शन थ्रिलर हॉरर सबका मिक्स है ये. मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है तो मुझको बहुत पसंद आई ये. बीच में आपको डर ज़रूर लगेगा. स्टोरी बेसिकली टॉक्स अबाउट मिलिट्री डिटेंशन सेंटर में जो भी प्रिजनर्स होते हैं वो कैसे घोल बन जाते हैं. मैं बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में बता नहीं सकती, आपको खुद देखना पड़ेगा. इफ़ यू आर अ हॉरर मूवी फैन तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखो एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. इसका अभी एक ही सीजन आया एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग टू वॉच अनदर सीजन. सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ सीरीज बाय अमेजॉन प्राइम. दिस इज कॉल्ड ब्रीथ एंड इसमें मेरा एक फेवरेट एक्टर है. आई थिंक वो हर लड़की को बहुत पसंद है, आर माधवन. सो इसका एक ही सीजन है एंड द सेकेंड वन इज प्लान इन दिस समर. तो दिस सीरीज बेसिकली रिवॉल्व अराउंड टू स्टोरीज विच आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड. वन इज फादर एंड सन एंड वन इज अ कॉप हु इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड. उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़राब है. आर माधवन का जो बेटा है उसको कॉन्जेनिटल लंग कैंसर है एंड ही नीड्स अ लंग ट्रांसप्लांट. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो भी एफर्ट आर माधवन करता है वो एफर्ट में वो एक क्रिमिनल बन जाता है एंड दैट्स हाउ द क्राइम एंड कॉप इज रिलेटेड. सो यू रियली हैव टू वॉच दिस वन क्योंकि ये बहुत ही थ्रिलर और क्राइम सीन के ऊपर बेस्ड है. सो यू वुड रियली रियली लव इट एंड या इसमें फादर और सन का रिलेशनशिप भी दिखाया है सो यू वुड काइंड ऑफ रिलेट टू दैट. दैट्स इट गाइस, दीज आर माय फेवरेट सीरीज इंग्लिश और हिंदी ऑन वेरियस चैनल्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी फाइव, जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में. I would love to hear your feedback and let me know अगर आपने इनमें से कोई सीरीज देखी है after my recommendation and you liked it, the like button and please like कर दो वीडियो को. Also subscribe to my channel, I need all the love and support, so please subscribe करो channel को. और मैं Instagram पे बहुत सारी videos बनाती रहती हूँ, makeup, styling, fashion, तो if you really want to watch that please, यहाँ पे है मेरा Insta handle, जाके फॉलो करो. कम बैक अगेन फॉर अनदर वीडियो. सो अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.